हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीटनिक हॉल। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब पर सर्च कर रही थी ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी कहाँ कहाँ से खरीदी जा सकती है इंडिया में, और तभी मैंने एक वीडियो देखी जो कि श्वेता विजय जी के चैनल पर थी। वो बीटनिक के बारे में थी, तो मैंने इसलिए बीटनिक से परचेज की कुछ आइटम्स, ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आइटम्स। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या मैंने ऑर्डर किया। और आपको अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, बीटनिक की जो ज्वेलरी आई थी, जो भी बीटनिक वेबसाइट से ऑर्डर की थी मैंने, वो इस बॉक्स में आई थी। ये बॉक्स कुछ इस तरह का है, ये बहुत ही अच्छे से रैप्ड अप था। इस नेकलेस का नाम है बोहो अफगानी ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर लॉन्ग मिरर नेकलेस। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस हॉल वीडियो में दिखाने वाली हूँ, उन सब की डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। तो आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को डेफिनेटली चेक करिएगा। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया था ये वाला पीस। ये पीस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत ही अच्छी है। इस तरह की इयररिंग्स जो ना, ये पोर्शन, इस तरह की इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा मिलती है मार्केट में, और मेरे पास वैसी इयररिंग्स हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उसको पहनूंगी और उसके साथ इसको पेयर करूँगी, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। तो यहाँ पर ये इस तरह से है, और यहाँ पर ये सिक्योर करने के लिए ये दिया हुआ है, जिससे आप इजीली अपना जो नेकलेस है उसे सिक्योर कर सकें। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है ये नेकलेस, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे पूरे आउटफिट के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इस पीस को मैंने इसलिए भी पिक किया था क्योंकि मुझे इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इंडो वेस्टर्न के साथ भी ये वाला आइटम डेफिनेटली चलेगा, आप भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट अप है ये एक चोकर नेकलेस है। वाओ, कितना सुंदर है। मुझे ये जो घुंघरू हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यूजुअली भी मुझे किसी इयररिंग में या फिर नेकलेस में घुंघरू हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको क्या बताऊँ मैं, मुझे ऐसे जो नेक पीसेस हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये बिल्कुल भी भद्दा नहीं लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है मुझे। और इस नेकलेस का नाम है बोहो ट्राइबल ऑक्सीडाइज सिल्वर हसली चोकर नेकलेस। आई एब्सोल्यूटली लव दिस आइटम। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भारी नहीं है, और आप देख सकते हैं इसने कैसे मेरा जो ओवरऑल लुक है उसको एलिवेट किया है। आपको अगर ऐसी ज्वेलरी पहनना पसंद है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी इस प्रोडक्ट को। और एक बात, ये जो पार्ट है ये बिल्कुल भी गले में डिस्कम्फर्ट नहीं ला रहा है, या फिर किसी तरह से छिल नहीं रहा है गला। ये बहुत ही स्मूथ है और वेल मेड है, तो ओवरऑल ये आइटम बहुत ही अच्छा है और वर्थ द प्राइस है। नेक्स्ट अप जो प्रोडक्ट है वो है ये, और इसका नाम है ट्रेंडिंग सिल्वर हैंगिंग झुमकी चोकर। आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा है। कुछ इस तरह का दिखता है। जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग के दौरान देखा, ये जो नेक पीस है इसकी इस पोर्शन में भी घुंघरू होना चाहिए था, पर वो घुंघरू जो है वो गिर गया है।
यू नो, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे फिक्स नहीं कर सकती, पर इतने पैसे देने के बाद भी थोड़ा इशू निकले प्रोडक्ट में तो बुरा तो लगता है। हाउएवर आई विल ट्राई टू फिक्स इट। बात करें ओवरऑल क्वालिटी की, तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। ये भी अगेन लाइट वेट है और इसमें ये इस तरह के जो डोरियाँ होती हैं वो दी हुई हैं, और इसमें कोई चेन का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप टाई करेंगे। ये इस तरह से आपको पहनना है, यू नो, सुंदर तो काफ़ी है। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये कैसा लग रहा है मुझ पर। लास्ट प्रोडक्ट है ये, अगेन ये नेकलेस है, इसका नाम है ऑक्सीडाइज सिल्वर ट्राइबल बोहो एंटीक नेकलेस। और इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरह का दिखता है ये नेकलेस। इस नेकलेस के इस पोर्शन में दो कॉइन्स जो हैं आप देख सकते हैं, वो दो कॉइन्स निकले हुए थे। अगेन मुझे ये दोनों जो कॉइन्स हैं उनको फिक्स करना होगा ताकि ये नेकलेस सही दिखे। ओवरऑल बात करूँ नेकलेस की, तो हाँ ये नेकलेस अच्छा दिख रहा है। ऑर्डर प्लेस करने के ठीक एक हफ्ते बाद मुझे मेरा पूरा ऑर्डर मिल गया था। चारों नेकलेसेस मुझे अच्छे लगे। हाउएवर आपने देखा है खुद ही कि मैंने दो नेकलेसेस में कुछ खामियां पाई हैं, इधर उधर कहीं घुंघरू गिरा है तो कहीं कॉइन्स गिरे हुए हैं, तो वो चीज़ मुझे फिक्स करनी होगी। ओवरऑल मैं बीटनिक को रेट कर रही हूँ 3 out of 5। तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनलाइन शॉपिंग का। बीटनिक पर आपने शॉपिंग कभी की थी या आपको मेरे थ्रू पता चला है बीटनिक के बारे में? क्या आप ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं या फिर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद भी है या नहीं? कमेंट करके डेफिनेटली मुझे बताएं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप अपना ध्यान रखें और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।